सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक लड़का एक लड़की दीवानी। वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने लगा था, दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। तो हे गाइस, सो यार कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके गाइस, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लाइट मोशन में आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके, इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जो भी फोल्डर में आपका फोटो है अपनी फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे फोटो एड करना है, ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर वाला आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम एच पी एन जी को सिलेक्ट करके स्पोर्ट पर क्लिक करना है, फोटो को सेव कर लेना है, फिर इस फोटो को डिलीट कर देना है, प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। ये फोटो मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से फोटो को ऐड करना है, ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एच पी एन जी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव कर लेना है। तो इसी प्रकार से टोटल आपको पांच फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पांच फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। सो यार आप भी अपनी फोटोज़ को क्रॉप करके सेव कर लो। तो गाइस, जैसा फोटो को क्रॉप कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट से बैक आ जाना और बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे आ जाना है इस प्रकार से, और आगे आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आपको शुरू में ही सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे एक लेयर दिखाई देगा फोटो करके, इस पर क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है। ऊपर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है और आपने जो फोटो को क्रॉप किया उसमें से कोई एक फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक फ़ोटो एड कर लेना। ओके, अब इस बार से एड हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो मतलब फ़ोटो है इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो इसका जो लाइट है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अरे गाइस, इसमें कोई फ़ोटो मत ऐड करना, इसमें जो है कोई कलर लगा देना, ब्लैक कलर लगा देना। ओके, फ़ोटो ऐड करोगे तो वो जो है क्या बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए इसमें कलर लगा देंगे, उससे अच्छा रहेगा, लिरिक्स तो सही से दिखाई देगा। एंड स्लाइड करके आगे आ जाना है, यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है, सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है यहाँ 10 सेकंड से। ओके, तो यहाँ पे चार लेयर में आपको अपना पहला फोटो को ऐड करना है, जो भी आप पहला फोटो को यूज करना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो। चार लेयर में फोटो ऐड करने के बाद आपको फोटो चेंज कर देना है, क्योंकि आगे डबल इट मार्क आ गया है। तो यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे, सेकंड जो है फोटो को ऐड करेंगे। ओके, फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो फिर से हम यहाँ पे चार लेयर में ऐड करेंगे, चार लेयर में ऐड करके फिर से हम फोटो को चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे सेकंड फोटो को भी चार लेयर में ऐड कर रहे हैं, अब यहाँ पे फोटो को चेंज कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे जो है चार लेयर ही है, तो इन चारों लेयर में हम इस फोटो को ऐड करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको चार लेयर में ऐड करना है, और उसके बाद चार लेयर में ऐड करने के बाद जैसे ही डबल बिट मार्क आएगा फोटो को चेंज कर देना है। ओके, इस प्रकार से जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो इस बार से हम चेंज कर देंगे फोटो को, और फिर यहाँ पे लेयर्स आ गया, चार लेयर में ऐड करके फिर से फोटो को चेंज कर देंगे। बस आपको चार चार लेयर में एक फ़ोटो को ऐड करना है। ओके, तो पांच मतलब फोटो है हमारा, पांचों फोटो यूज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, आपको एक फ़ोटो को चार लेयर में ऐड करना, और जो सबसे लास्ट वाला फोटो है वो मेरे हिसाब से तीन लेयर में ही ऐड होगा, क्योंकि एक जो इधर फ्लेक्स है वो लेयर नहीं, हाँ फ्लेक्स है, तो इधर हम जो सबसे लास्ट वाला फोटो को तीन लेयर में ऐड करेंगे, बाकी सब फोटो को हमने चार लेयर में ऐड किया है। शुरू से आपको ऐड करते आना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उसी प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 10 सेकंड से, तो यहाँ पे चार लेयर में पहला फोटो को ऐड किया, फिर यहाँ पे 12 सेकंड 13 सेकंड से चार लेयर में दूसरा फोटो को ऐड किया, फिर यहाँ पे 15 सेकंड से जैसे कि आप लोग देख सकते हो दूसरा फोटो, फिर इधर चौथा फोटो, इधर लास्ट फोटो। तो बस इसी प्रकार से फोटो को ऐड कर लेना है। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स है, मतलब जो है क्या बोलते मतलब क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स, देखो ये कितना मतलब जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स। तो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला नीचे वाला को रहने देना, क्योंकि नीचे वाला सही है मिला जुला के, जो ऊपर वाला है ना
सॉरी दोनों को यहाँ से मतलब हटा ही देना इससे। तो हटाने का मतलब यहाँ से मत हटाना, जहाँ पे लिरिक्स खत्म हो रहा है वहाँ से बस इन दोनों लेयर को ट्रिम कर देना। ऊपर में जो आपने मतलब क्या बोलते हैं, ऊपर में जो है उन दोनों लेयर को स्लाइड करके जहाँ पे लिरिक्स खत्म हो रहा है वहाँ पे जो है इसको क्रॉप कर देना, बस इतना आपको कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर शेयर के आइकन पे, हाँ इधर फोटो में अगर कोई और XML सॉरी गाइस HDRCC है तो उसको भी लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करके वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।